Rama Sama कलयुगी बहे करूं अर्ज करूं अर्ज करूं अज मान रा हेलो सामन जो तटके ताला टूटिया तटके ताला टूटिया ने झटके पड़ी रे जंजीर रत्नो हाजिर हो गियो धन रंग हो रामा हम सभी के बीच में परम श्रद्धेय गुरुदेव शिवगिरि जी महाराज आए हैं। मैं चाहता हूं बहुत जोर से तालियों से गुरुदेव का आप सभी लोग अभिवादन करें। बाबा रामदेव जी ने एक बड़ो प्यारो भजन आप सभी लिए तालियों के साथ में, कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा बाबा रामदेव जी की भक्ति में। ए रुन झुन बाजे घुंघरा झुन बाजे घुंघरा रुन झुन बाजे घुंघरा रुन झुन बाजे घुंघरा ये छम छम बाजे घुंघरा
ओ जियो जियो ये गुण झुन बाजे घुंगरा ये गुण झुन बाजे घुंगरा अगर चनन रो बनो के बनो हो के लोग लुगाई जी हो अगर चनन रो बनो के बनो हो के लोग लुगाई जी हो धोनी धजा पदू के बाबा रे मिन खारी सकलाई जी हो सकलाई जी हो ओ में झालर बाजे में सुख पावा हर मिंदर में झालर बाजे में सुख पावा हो मैं तो सब देवाने छोड़ दाम साने मैं तो सब देवाने पीछे रामदेव जी महाराज के भक्त बैठे हैं तो बताएं मेरे को मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने भर मन रे तंदूरे पर खारी दानी गावा ओ भर मन रे तंदूरे पर खारी दानी गावा ओ मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने गावा मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने गावा अजमाल गिरा लाल रे खमा खमा अजमाल गिरा लाल रे जियो ओ जियो ओ जियो
लाज बचाई जी हो जब जब भीड़ पड़ी भक्ता पर यही लाज बचाई जी हो बड़ा बड़ा दी थारे आए भूल हुई चतुराई जी हो बड़ा बड़ा रे थारे आए भूल हुई चतुराई जी हो बाबा रामदेव जी ने भक्तों में बाबा रामदेव जी ने भक्तों में सब सबसे पहला यदि कोई भक्तों नाम आवे तो वो किरो है आप बताएं सबसे पहला नाम डालीबाई का आता है मित्रों और उसके बाद में हरजी भाटी का नाम आप सभी लोगों ने सुना है हरजी भाटी रो नाम सुनोड़ो आप लोगों ने हाँ जी बाबा रामदेव जी रे तस्वीर में बाबा रामदेव जी रे मंदिर मूर्ति बाबा रामदेव जी दरबार में सब जगह जहां बाबा रामदेव जी है तो डाली बाई हरजी भाटी लाछा और सुगना ये चार तो बाबा रामदेव जी के साथ में आप जरूर देखेंगे जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर थे ही लाज बचाई भगवान हर युग में अपने भक्ति रक्षा की है चाहे वो त्रेता युग हो चाहे सतयुग हो द्वापर युग हो या ये कलयुग हो हरजी भाटी रोज जन्म जोधपुर रे कने एक गांव है पंडित जी की डाणी उम्मीद नगर रे पास में मथानिया के करीब पंडित जी की डाणी एक जगह है बटे हरजी भाटी रो जन्म हुआ हरजी भाटी क्षत्रिय कुल में राजपूत क्षत्रिय कुल में भाटी कुल में हरजी हरजी रो जन्म हुआ हरजी रो जब बचपन बीत्यो जो समझ आई तो हरजी भाटी बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन रो आधार बना लियो बाबा रामदेव जी री भक्ति बाबा रामदेव जी रे अलावा कुछ भी नहीं सोचनो हर समय बाबा रा गुणगान हरजी भाटी करने रो निर्णय कियो अपने जीवन में बाबा री भक्ति रो आसरो ले हरजी भाटी अपने जीवन ने आगे बढ़ाने रो सोचो एक हाथ में तंदूरो लियो बाबा रामदेव जी ने कपड़े रे घोड़े ने अपने कंधे पर लगा और हरजी भाटी गांव गांव में जाने लगा गांव गांव में बाबा रा चमत्कार सुनाने लगा बाबा रा परचा सुनाने लगा कि कलयुग में ऐसो बाबो है जो भक्तों रा दुख दूर करे कष्ट मिटावे बाबा रामदेव जी महाराज ने जिन पर कृपा हो जावे उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जावे सब कुछ मंगल हो जावे हरजी भाटी गांव गांव में जा और बाबा रामदेव जी रा परचा सुनाने लगा घूमता घूमता एक दिन जोधपुर आ गया मैं निवेदन करूं सभी लोग सुनना बड़े आराम से एक दिन घूमता घूमता हरजी भाटी जोधपुर आया जोधपुर में आप लोग सुने वाला मसूर भाकर है हरजी भाटी बैठे यार संजारो वक्त को शाम रो वक्त हरजी भाटी धूप दिया धूप किया हाथ में तंदूरो लियो और बाबा रा भजन गाने में मगन हो गया हरजी भाटी रा भजन सुने और लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया भीड़ होने लग गई एक दिन दो दिन तीन दिन चार पांच दिन में दूर दूर तक समाचार फैला कि ऐसे ऐसे एक बाबा रो भगत आयो है बाबा रा गुणगान करे लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और भाई लोगों ये समाचार पहुंचता पहुंचता जोधपुर दरबार में पहुंच गया राजा ने जार कहो कि साहब हरजी नाम रो एक आदमी आयो है फला फला जगह पर आसन लगा बैठो है और हरजी रा बड़ा परचा है चमत्कार है बाबा रामदेव रो गुणगान करे और हरजी रे गुणगान सु लोगों री भीड़ उठे इकट्ठी होती जा रही है लोग कह रहे हैं कि सच्चो तो बाबो है और यूं यदि संख्या बढ़ती गई तो राजा साहब काले रो देम एड़ो आवेला कि आपने कोई मानेला नहीं आप रो माननो बंद कर देला लोग इन वास्ते जार उन्हें रोकनो पड़ेला जोधपुर दरबार हरजी भाटी की परीक्षा लेने वास्ते आया अपनी सेना फौज ने लेने आया पूछो कि कौन है बोले कि साहब मारो नाम हरजी है कठू आयो बोले कि मैं तो बाबा रा गुणगान करतो करतो आपरे राज में आयो जोधपुर दरबार हरजी ने पूछ लियो कि हरजी तू जिंदरा गुणगान करे वो कहीं सच्चो है कहीं हरजी बोले कि भगवान तो सच्चो है राजा बोले कि सारो भगवान यदि सच्चो है तो थने ई बात रो प्रमाण देनो पड़े थने
ये इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि थारो बाबो रामदेव जिनरो नाम ले वो सच्चो है। अब मित्रों यदि कोई कह दे कि भगवान सच्चो है तो आप और हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं, हम कोई ना कोई बात कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि देखो भगवान, ऐसा नहीं कर सकते। अर्जी भांति कहो कि भाई ये तो घट घट में व्याप्त है, मानो तो सच्चो है, ना मानो तो कोई बात नहीं। जोधपुर दरबार क्यों कि हरजी थने बताना पड़ेगा, या तो तू बता कि थारो बाबो सच्चो है। और यदि नहीं बता पायो तो थने जेल में बंद कर दियो जावेला। हरजी बोले कि अब राजा साहब किकर बताऊं कि बाबो सच्चो। जोधपुर दरबार लोहेरा चना बनवाया, बेरिंग में लगे ना गोल गोल रंग आकार रहा लोहेरा छर्रा, और ऐसा लोहेरा छर्रा ऐसा चना आकार रहा छर्रा बना मंगाया, अर्जी रे हाथ में पकड़ाया कि अर्जी थारो बाबो सच्चो है, तू एक कंधे पर वो घोड़लियो उठार घूमे कपड़े रो, यदि लोहेरा चना थारो घोड़ो चबा जावे तो मैं मानूला कि थारो बाबो सच्चो, नहीं तो इसी वक्त मारे सैनिकों ने हुक्म दूला थाने जेल में बंद कर दियो जावे ना। अर्जी बाबा हरजी बाबा रामदेव जी ने याद में धुन में बैठ के बोले बाबा आ चुनौती मने नहीं है, आ चुनौती थारे भगत ने है, और बाबा आजी आज यदि भगतरी लाज नहीं राखी तो काले लोगारो भरोसो थारे माथो उठ जावेला। मित्रों बाबा रामदेव जी की कृपा हुई, वे लोहेरा चना कपड़े रे मुंडा में जी घाल्या, बाबा रामदेव जी की कृपा हुई, वो कपड़े रो घोड़ो लोहेरा चना चबा और वापस निकाल और दे दिया ले वो साहब अर्जी भाट की। बाबा रामदेव जी ने जोधपुर दरबार ने भी बाबा रामदेव जी को माना है सकल जग में, और इसलिए दोनों हाथ उठा के मेरे साथ में गाएंगे, जब जब भीड़ पड़ी भगता हे लाज बचाई जी हो, जब जब भीड़ पड़ी भगता पर हे लाज बचाई जी हो, बड़ा बड़ा दी थाने आगे भूल हुई चतुराई तो सब देवाने छोड़ राम साने बाबा, मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने बाबा, माँ कमा अजमान जीरा लाल बड़ी कमा अजमान जीरा लाल बड़ी कमा अजमान जीरा लाल जियो ओ जियो ओ जियो। सारा मेलो भरे भजपूर जी, दूरन दिशारा जातरी उथारो मेलो भरे भजपूर जी, मारो मेलो भरे भजपूर जी। बस ये दो तीन महीना दूर है, सावन महीने में आप पर तो इन रोड पर भीड़ लागने शुरू हो जाए, सावन से पहले। मुझे बताया गया कि ये पूरा परिवार सूरत से 15-20 दिन के लिए यहां आ जाता है। इन्होंने ये जो इतना बड़ा बंगला बना है वो भी उनके लिए, इतना बड़ा एक हॉल बना है वो भी उनके लिए, बगीचा बना है वो भी उनके लिए,
क्योंकि ये तो साल भर में 15 दिन उसी समय आते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा घर में काम काज होता तो इधर आना होता। मित्रों आपने देखा होगा नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं है, अधिकांश लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये मदनलाल जी सूरत में जिस टॉवर में रहते हैं उसकी जो भव्यता है वो मैं अपनी आंखों से देख के आया। वो इतना भव्य है कि मैं उसको शब्दों में तो बोल भी नहीं सकता। लेकिन यदि भगवान ने वो कृपा करी है तो सेवा करने का भी जिम्मा इन्होंने उठाया। मैं चाहता हूं एक बार फिर से इस परिवार का तालियों से अभिवादन करूं। और बाबा ने विनती है, ओ दुखिया ने सुखिया मदनलाल जी आ जाइए, ओ दुखिया ने दुखिया ने दुखिया ने सुखिया करो रामा, दुखिया ने सुखिया करो रामा, मैं तो भवरा बाप जी शाम आइए, ओ जी ओ जी ओ क्योंकि सभी देवी देवताओं के मैं एक एक दो तो भजन गाने वाला। बाबा रामदेव जी को सबसे पहले हम मनाएंगे।